हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है क्रॉस प्रोडक्ट। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इसके पिछले वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट और उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट्स देखना है तो इसके पीछे वाले वीडियो को आप देख सकते हो। नॉट टुडे वी डिस्कस अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। जैसा कि जानते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों के लिए एक बहुत टफ टॉपिक माना जाता है, खास करके वो बच्चे जो कि 11th में हैं उनके लिए बहुत टफेस्ट टॉपिक माना जाता है। बट मैं वादा करता हूँ आपको कि अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कंसेप्ट दूंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं इसके थ्योरी के बाद। सो आप लोग बने रहिए एंड तक और देखते रहिए क्रॉस प्रोडक्ट। और एक चीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच टाइप ऑफ वीडियोस। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका रिजल्टेंट स्केलर आता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका कि रिजल्टेंट वेक्टर आता है। इसलिए प्रोडक्ट को वेक्टर में दो ग्रुप में बांट दिया। जैसे फॉर एग्जांपल फिर से मैं बता दूं, जैसे फोर्स वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ और ये प्रोडक्ट कर दिया। इसका जो रिजल्टेंट है वो है स्केलर क्वांटिटी यानी वर्क डन। वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, आप लोग जानते हो। दूसरी तरह अगर फोर्स को लें और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें तो इसके प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। अब यहाँ ये दोनों तो वेक्टर है लेकिन ये भी वेक्टर क्वांटिटी आ गया। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक में चूँकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम लोगों ने नाम दिया स्केलर वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो इसी तरह के बहुत सारे फार्मूले को भी हम लोग देखेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को लिख सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट्स। अब यहां तो मैंने बता दिया कि दो वेक्टर क्वांटिटी के अगर प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो रिजल्टेंट भी क्या देता है, वेक्टर देता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से रिजल्टेंट क्वांटिटी जो है वो वेक्टर आए ऐसे ही क्वेश्चंस को लेंगे, ऐसे ही फार्मूले को देखेंगे और उसी पर हम लोग बात करेंगे पूरे आधे घंटे से 40 मिनट के बीच। तो बने रहिए आप एंड तक। यहां पर फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल साइन के साथ। एंड अब देखिए, अगर इसके रिजल्टेंट की बात करें तो ये स्केलर, ये स्केलर, ये स्केलर होता ही है, जानते हो आप लोग। तो यहाँ वेक्टर लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एन कैप लगा देते हैं। ये एन कैप है क्या, ये अभी हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे इस पर। मान लिया एक वेक्टर, यहाँ पर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और दोनों के बीच का एक्यूट एंगल है थीटा। तो ए क्रॉस बी जो है वो देगा ए बी साइन थीटा और एन कैप। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, ए बी साइन थीटा और एन कैप, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हो। अब देखें एन कैप है क्या, वेयर एन कैप, चूंकि इसको हमें क्या बनाना था,
वेक्टर क्वांटिटी बनाना था। तो स्केलर को अगर हम वेक्टर बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग कोई यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर है, वेयर एन इज अ यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है भाई? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर तो है लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका डायरेक्शन है द डायरेक्शन, और इस तरह से लिख सकते हैं, वेर एन इज एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ पर दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर, यहाँ पर बी वेक्टर, और बीच का एंगल है थीटा, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? अगर ये सी वेक्टर हम लोग मान लें तो इस सी वेक्टर का, इस पूरे को सी मान लेते हैं, तो सी वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? तो इसने कहा परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर कहाँ है? प्लेन में है। ए और बी वेक्टर प्लेन में है तो इसका डायरेक्शन जो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये सी वेक्टर हो गया। परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या हुआ है? आउटवर्ड या इनवर्ड, है ना? अब देखेंगे कि आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा, इसके लिए लॉ है। तो यहां पर बोथ परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसको हमने मान लिया ये सी वेक्टर। क्लियर है? अब इसके लिए एक लॉ का यूज करते हैं, हम लोग लॉ को यूज करते हैं। यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। अभी दोनों को हम लोग देखेंगे, घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। अब देखिए, जैसा कि हमने देखा, फिर से ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल क्या हो गया? थीटा। मैंने कहा कि ए और बी अगर दोनों प्लेन में है यानी बोर्ड पर है तो सी वेक्टर यानी ए क्रॉस बी वेक्टर जो है वो आइदर आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। तो आउटवर्ड को हम लोग ऊपर की तरफ बना लेते हैं, ये या नीचे की तरफ, है ना? इसको एन कैप बोलेंगे, जो एन कैप का डायरेक्शन होगा वही इस पूरे का डायरेक्शन होगा ये। अब देखो, अब ये परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, तो मैंने क्या बोला, कौन सा रूल लगाना है? राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाते हैं? देखिए, ये प्लेन है और हमें लेना है ए क्रॉस बी। आप क्या करो, ये राइट हैंड को, राइट हैंड के थंब को ऊपर रखो और ये जो फिंगर्स हैं राइट हैंड के, इसको कर्ल करो किधर, जो आपने लेना है डायरेक्शन। अगर ए क्रॉस बी करते हैं तो ए से बी की तरफ ले जाओ, है ना? ऐसे करके देखो, परपेंडिकुलर टू प्लेन तो होगा ही, ये तो पता है, तो इसको परपेंडिकुलर प्लेन रखो, ये अब यहां रखा हाथ और इसको ए से बी की तरफ ले जाओ, तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा ये होगा आउटवर्ड, जो कि हमने अपवर्ड लिया है, तो ये डायरेक्शन नहीं होगा। समझ में आए बात? अब देखो,
हमने लेना है बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए अगर हम लेंगे तब देखो, अगर इधर रखते हैं तो ये ए क्रॉस बी हो गया, लेकिन अगर बी क्रॉस ए ले तो क्या होगा, ऐसे रखना पड़ेगा हाथ को। देखिए ये बी है और ये ए है ना, ये बी और ये ए, तो हम क्या करेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे ऐसे 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 से ये मोड़ेंगे, राइट। तो डायरेक्शन किधर हो गया, अंदर की तरफ हो गया। तो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इधर हो गया, इसको बी क्रॉस ए ले लेते हैं और इधर ले लिया ए क्रॉस, ए क्रॉस बी। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। तो यहां पर क्या होगा, ए क्रॉस बी के अपोजिट होगा बी क्रॉस ए, तो ये प्रॉपर्टी में भी आ जाएगा, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। समझ में आए कि नहीं आए, बिल्कुल आ गया। अब प्लेन पर भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पेज पर रखते हैं, इधर ए लिया इधर बी लिया, अब ये फिंगर को है ना, थंब को इस तरह से रखा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है, जो प्रोडक्ट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो थंब को ऐसे रखा और ए से बी की तरफ गया, और अगर बी के, बी से ए की तरफ जाएंगे तो फिर हमें ऐसे करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा ही, एक में होगा अपवर्ड और एक में होगा डाउनवर्ड। और इसका एक प्रॉपर्टी, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी आपका हो गया, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। उसी तरह अगर हम स्क्रू रूल के बारे में कहें, आपको ज़्यादा ये नहीं पूछेगा, एक ही रूल आप रखिए, लेकिन अगर आपको जानना है तो ये देख लो, ये स्क्रू, ये स्क्रू, इधर ए इधर बी, ये एंगल थीटा है ना। स्क्रू के दो विंग्स किधर है, प्लेन पर है, और इन दोनों विंग्स को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीसरा जो वेक्टर होगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, या तो ओपनिंग साइड ऑफ द स्क्रू होगा या क्लोजिंग साइड ऑफ स्क्रू होगा, क्लियर हुआ। तो हम अगर ए क्रॉस बी लेते हैं, फिर से आप देखो यहाँ पर, यहाँ पर ए क्रॉस बी, तो ये ऊपर की तरफ यानी आउटवर्ड, तो ये हो गया ए क्रॉस बी और ये आया बी क्रॉस ए, सेम है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग कुछ और रिजल्ट देखते हैं इनके। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये क्या हुआ, जेड एक्सिस, और ये ओरिजिन। अब बताओ कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप, और के जेड एक्सिस के कैप। हमने फॉर्मूला देखा था, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। आगे बात समझ में, अब देखो अगर हम आई क्रॉस, आई क्रॉस जे ले तो क्या होगा, पहले चलो आई क्रॉस आई वाला करके खत्म करते हैं इसको। आई क्रॉस आई क्या होगा भाई, आई का मैग्नीट्यूड वन, फिर आई का मैग्नीट्यूड वन साइन, और आई के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो डिग्री, तो जीरो डिग्री लगा दिया, साइन जीरो जीरो बिल्कुल सत्यानाश, तो ये हो गया जीरो। याद है डॉट प्रोडक्ट में वन होता था, लेकिन यहां क्या होगा, जीरो होगा क्रॉस प्रोडक्ट में। उसी तरह से जे क्रॉस जे इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, एंड के क्रॉस के भी
जीरो होगा। लेकिन लोचा तो यहां नहीं है, अब जो आएगा वो देखते हैं। आई क्रॉस जे क्या होगा? देखिए आई क्रॉस जे है ना, थंब रूल लगाएंगे। देखिए आई क्रॉस जे बाहर की तरफ, जेड एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर है ना भाई, इधर जेड अंदर की तरफ माइनस जेड एक्सिस। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, एन कैप ये हो गया 1, यानी एन कैप। एन कैप है क्या? कैप लगाते हैं हम लोग कहां? यूनिट वेक्टर में। तो यहां पर एन कैप भी यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और इन दोनों के परपेंडिकुलर है, आई और जे के परपेंडिकुलर है। तो आई और जे के परपेंडिकुलर कौन है? के है। तो यहां पर हम लोग इसको हटा करके क्या लिखेंगे? के वेक्टर, यानी आई क्रॉस जे इजिकल्स टू क्या हो गया? के। और जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? माइनस के। अभी देखा था ए क्रॉस बी इजिकल्स टू माइनस बी क्रॉस है। उसके बाद जे क्रॉस के ये आ जाएगा आपको आई, और इसको पलट दो के क्रॉस जे और ये हो जाएगा माइनस आई। अब के क्रॉस आई क्या हो गया भाई? जे। और आई क्रॉस के माइनस जे। समझ में आए? ठीक है बच्चों, इसमें कंफ्यूजन होती है। जे क्रॉस आई क्या होगा? ऐसे लेंगे हम लोग अंदर की तरफ, तो माइनस के एक्सिस। लेकिन बार बार इतना हम लोग थंब रूल लगाएंगे कि लिखेंगे कि क्वेश्चन पेपर देखेंगे, अब बार बार हम लोग थंब रूल कितना लगाएंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आंसर लिखेंगे या थंब रूल बार बार लगाएंगे? तो उससे बेटर है एक फार्मूला मैं दे रहा हूँ, एक सर्कल दे रहा हूँ, फार्मूला नहीं, फार्मूला याद करने का एक सिंपल मेथड। एक सर्कल ले लीजिए आप और आई जे और के, अब क्या करो ऑर्डर में लिख लो आई जे के। अब देखो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। अब देख लो है ना जी, फिर से आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे। लेकिन बेटे जब अपोजिट चलते हैं तो वहां माइनस आएगा। देखो जे क्रॉस आई अपोजिट है ना इसके, तो माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई। बहुत सिंपल। तो कभी भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो एक सर्कल बना लो, आई जे के लिख दो। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं सारे, एक ही डायरेक्शन में है ना, इसको पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू, और अपोजिट जा रहे हैं यानी निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो निगेटिव वैल्यू, खत्म है ना जी। वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल की तरफ और कुछ एग्जाम्पल पहले मैं लिखा दो उसके बाद
न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए हम लोग कुछ फार्मूले को देखते हैं। फर्स्ट फार्मूला है आपको टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू होता है पोजिशन वैक्टर क्रॉस फोर्स, है ना। पोजिशन वैक्टर आर से डिनोट करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स। बच्चे यहाँ पर गलती करते क्या है कि अगर टॉर्क के क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए या टॉर्क के मैग्नीट्यूड निकालने आ जाए तो क्या करते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, उन्होंने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा हुआ है, बस वही फोर्स इंटू एफ इंटू आर लगा देते हैं, लेकिन वो गलत है। तो टॉर्क याद रखना है आर क्रॉस एफ होता है। दूसरा लीनियर वेलोसिटी, पहले एंगुलर वेलोसिटी उसके बाद आर। अब देखो दोनों में डिफरेंस, यहाँ पोजिशन वैक्टर पहले आ गया, यहाँ पोजिशन वैक्टर बाद में है। एंगुलर मोमेंटम में आर पहले, लीनियर मोमेंटम बाद में, इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम एल वैक्टर इज इक्वल्स टू पोजिशन वैक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। लीनियर एक्सेलरेशन अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन पोजिशन वैक्टर या रेडियस वैक्टर को। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा, यानी आपको एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो बच्चों ये फार्मूले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और वहाँ पर क्या करेगा कि फोर्स और पोजिशन वेक्टर दे दिया रहेगा और आपको टॉर्क या टॉर्क के मैग्नीट्यूड निकालने हैं। इसी तरह से और सारे फार्मूला अप्लाई किए जाते हैं। अब इसी पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपको फोर्स गिवन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, यानी टॉर्क निकालना है आपको, और इसके लिए फोर्स भी दिया है और पोजिशन वेक्टर भी दिया हुआ है। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं भाई, अभी फॉर्मूला बताया था, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है आर क्रॉस एफ। तो आर जो है वो लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस k, और क्रॉस प्रोडक्ट माइनस 3i प्लस j प्लस k, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था, एक यहां पर सर्कल बना लो आई जे और यहां पर के, राइट। अब देखो 2i को 3i से माइनस 3i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो i और i, i क्रॉस i क्या होता है भाई, जीरो होता है, तो यहां लिखेंगे जीरो, ठीक है। प्लस अब 2i को j से, तो 2 1 2 क्योंकि j का कोफिशिएंट 1 है तो 2 लिख दिया। i क्रॉस j है ना, या फिर मैं अभी लिख देता हूं आपको i क्रॉस j प्लस 2 into 1 2 आई क्रॉस के, 2i का काम हो गया। अब 3j का माइनस 3 3 जा 9 क्योंकि ये माइनस है, तो 3 3 जा 9 तो माइनस 9 हो जाएगा। j क्रॉस i, j क्रॉस i, फिर प्लस j क्रॉस j जीरो हो जाएगा, इसको जीरो ही कर दो, और प्लस 3 into 1 3 जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आ गया, ठीक। अब के लेते हैं हम लोग माइनस 3 है ना, 1 3 जा माइनस 3 हो गया, के क्रॉस आई, ठीक है, प्लस 1 के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, उसके बाद के क्रॉस के जीरो हो गया।
अब यहां देखेंगे हम लोग जी, ये तो जीरो हो गया। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के, तो टू के हो गया। फिर प्लस टू आई क्रॉस के, आई क्रॉस के तो क्या होगा, माइनस जे है ना, क्योंकि अपोजिट है तो माइनस के, तो यहां माइनस ले आते और ये हो गया आई क्रॉस के माइनस जे, तो ये हो गया माइनस टू जे। फिर माइनस आई क्रॉस जे, सॉरी जे क्रॉस आई के यानी माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस नाइन के। समझ में आई बात, पहले ये क्या था, माइनस था, देखो जे क्रॉस आई तो माइनस के होगा ना, तो माइनस के, तो ये माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, जीरो को हटा देंगे। फिर यहां पर जे क्रॉस के, थ्री जे क्रॉस के क्या हो गया, आई हो गया, आई कैप। अब इसको देखिए, माइनस थ्री के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे, प्लस में ही आएगा, आर्य वासन में, वेरी गुड। के क्रॉस आई जे हो गया। अब यहां है के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई हो गया, तो क्या माइनस आई। अब इसको सॉल्व कर लेते, आई यहां पर प्लस थ्री आई है, माइनस आई है, तो हो गया टू आई कैप प्लस में। जे में माइनस टू जे माइनस थ्री के, तो माइनस फाइव जे और प्लस टू नाइन एलेवन के, ये हो गया हमारा टॉर्क। क्लियर है। अब इसके मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मॉडुलस अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस एलेवन का स्क्वायर, ये हो गया फोर प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी वन, फोर फाइव नाइन, वन टेन, वन टू थ्री, थ्री टू फाइव और वन, ये आ गया आपका। क्लियर है। तो बच्चों इससे भी एक इजी मेथड है, क्योंकि मैंने ये मेथड इसलिए बताया आपको कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा आंसर नहीं आता है या हमारे पास टाइम होता है बट हम गलत करके चले आते हैं, तो आप दोनों मेथड से देख लो कि आपका न्यूमेरिकल सही है या गलत है। चलते हैं, एक सेकेंड मेथड है हमारे पास, इसको हटाते हैं। आप क्या करो, आप क्या करो कि टॉर्क निकालना है, यहां पर आप मॉडुलस लगा दो। अब निकालना क्या, आर क्रॉस एफ, तो R को हम पहले लिखेंगे या यहां लिखा है तो ठीक है यही वैल्यू ले लेते हैं। यहां पर I, J और K लिख दो, ठीक। R क्रॉस F है तो I R के कॉफिशियंट को सबसे पहले, यानी I का कॉफिशियंट 2 यहां लिख दो, 3 और यहां 1। F बाद में है तो इसके कॉफिशियंट को बाद में लिखेंगे, माइनस थ्री वन वन। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इनके तीन घर बनाएंगे, आई जे प्लस के, तीन घर बना देंगे, ठीक। अब आई के घर में मेहमान कौन, आई के घर में आई तो मेहमान होंगे नहीं,
तो आई के घर में मेहमान जे और के, तो आप दोनों को बिड़ा दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, थ्री ये अपोजिट है इसलिए माइनस वन, है ना जी। चलिए अब जे के घर में मेहमान को के और आई। अब यहां पर बात आती है कि पहले के या पहले आई, है ना, तो सामने वाले को लोग पहले देखते। देखिए आई जे और के, जे के सामने पहले कौन है, के है, तो के लेंगे हम लोग पहले। तो जे को हटा दीजिए क्योंकि जे तो घर वाला है, इसके घर मेहमान कौन आएंगे, के और आई, तो के और आई को मिला दीजिए। माइनस थ्री माइनस टू, है ना जी। फिर से देखिए जे के घर में, तो जे को हटा दीजिए क्योंकि ये मेहमान नहीं बन सकता, खुद का घर है, तो के पहले, तो वन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री, और अपोजिट करेंगे वन को टू से, है ना, तो माइनस टू, है ना, अपोजिट हुआ तो माइनस एक, बीच में तो आता ही है, ठीक। अब के घर में आई और जे, के आई सामने हैं, तो लिखेंगे टू वन जा टू माइनस, और थ्री थ्री जा नाइन, तो माइनस नाइन होगा, तो ये प्लस नाइन। अब देख लो टू आई माइनस फाइव जे प्लस एलेवन के, मिल गया ना आंसर। और प्रोडक्ट तो ये मैग्नीट्यूड तो इसी तरह से निकाल लेंगे हम लोग, बिल्कुल। अब हम लोग इसी मेथड को करेंगे, ये थोड़ी से लेंथी मेथड है, इस पर भी आप लोग करके देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने एक और क्वेश्चन लिया है जिसमें कि दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए एंड बी, और हमें पैरेलल शो करना है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल बेटे शो करना हो ना आपको दो वेक्टर के लिए, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, और क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो हो गया तो पैरेलल हो जाएगा, देखेंगे कैसे। उसी तरह से अगर दो वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करना है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, याद रहेगा। अगर पैरेलल प्रूव करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो डॉट प्रोडक्ट। चलते हैं यहां देखते, हमें करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जैसा बताया था अभी आपको, आई जे के, आई के कोफिशियंट को लिखे माइनस थ्री माइनस वन, जो पहले यह है ना यहाँ उसी को ऊपर लिखेंगे पहले, और उसके बाद बी है तो माइनस सिक्स प्लस नाइन और प्लस थ्री। अब क्या करना है बताओ, घर बनाने हैं ना, ठीक है। अब इसको घर बना दिया है, आई जे प्लस के, आई के घर मेहमान को लाओ, तो आई तो रहेगा नहीं, जे और के, तो थ्री को माइनस थ्री को थ्री से तो माइनस नाइन, एक माइनस साइन खुद से लगता है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक माइनस यहाँ, और माइनस वन इंटू नाइन माइनस नाइन, तो माइनस माइनस प्लस नाइन हो। उसके बाद जे में हम लोग देखेंगे, पहले के को करेंगे माइनस वन इंटू माइनस सिक्स, कितना हो जाएगा प्लस सिक्स, फिर माइनस का साइन, थ्री टू जा सिक्स, फिर के लिए आई और जे, तो टू नाइन जा एटीन माइनस माइनस सिक्स इंटू माइनस थ्री, तो एटीन, क्लियर हुआ। तो आप देखो सारे कट गए, ये जीरो आ गया, तो ए क्रॉस बी जीरो आया, तो
ए बी साइन थीटा इजिकल्स टू क्या जीरो, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड तो जीरो है नहीं, तो साइन थीटा लिखेंगे ए इज नॉट जीरो, बी इज ऑल्सो नॉट जीरो, देन साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो एंड थीटा इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री। हो गया ना प्रूफ? ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट के कंसेप्ट दिमाग में आ जाए ना तो बहुत सिंपल हो, और नहीं तो ये भाई खुद से तो नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक क्वेश्चन जो बच्चे नीट और आईटी जेई मेन के लिए तैयारी कर रहे हो उसके लिए, या एमसीक्यू ऐसे भी अब तो 11 12th में एमसीक्यू आते हैं, तो ये कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है, जरा सा देखते हैं इसको। अ पार्टिकल ऑफ मास एम लोकेटेड एट द पोजिशन आई प्लस जे, पोजिशन वेक्टर जानते हो कि आप आर ये गिवन है और यहाँ वेलोसिटी गिवन है, आर और वेलोसिटी गिवन है और आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है अलोंग जेड एक्सिस। अब देखो, अब यहाँ बात ये है कि हम डॉट निकालेंगे कि क्रॉस निकालें, तो चूंकि एंगुलर मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको अलोंग जेड एक्सिस भी पूछा है, तो यहां से भी आपको पता चलता है कि आपको वेक्टर क्वांटिटी ही निकालना है, और जब वेक्टर क्वांटिटी निकालते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, आर वेक्टर गिवन है आपको आई कैप प्लस जे कैप मीटर, मीटर हटा देते बाद में लगाएंगे, और वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी आपको टू आई माइनस जे प्लस के। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था आर क्रॉस पी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं आर क्रॉस पी इज द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो ये मास और ये वेलोसिटी। तो पहले आर आई प्लस जे क्रॉस प्रोडक्ट एम, मास कितना है भाई 2 kg, तो यहाँ 2 लगा दो आप, और वेलोसिटी है तो यहाँ फिर से 2 लगेगा, और ये आ जाएगा आपको आई माइनस जे प्लस के। ये तो मैं स्टेप वाइज कर रहा हूं, आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अब तो मास्टर बन गए होंगे। तो चलिए आई प्लस जे क्रॉस प्रोडक्ट, ये 4 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 आई माइनस 4 जे प्लस 4 के। अगर नहीं भी मल्टीप्लाई करते बाद में रख लेते कोई दिक्कत है। अब इसके क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकाल लेंगे, टॉर्क इजिकल्स टू आर क्रॉस पी होता है, तो आर को पहले लिखेंगे, यहाँ आई जे और यहाँ के, तो यहाँ 1 1 और के में कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे 0। उसी तरह से ये 4 माइनस 4 और प्लस 4, प्लस को हटा दीजिए, तो आई प्लस आई कैप लिखेंगे यहाँ प्लस जे और प्लस के, याद है? तो आई के घर में कौन गेस्ट भाई, जे और के, 1 4 जा 4 माइनस 4 इंटू 0, तो 0 हो गया ये। जे वाले में आइए, जे वाले में जे नहीं रहेगा, के और आई रहेगा, 0 × 4 0 माइनस माइनस 1 × 4 4, 1 × 4 करो या 4 × 1 करो, एक ही बात। अब यहाँ
ठीक है, के के घर में कौन आएगा, आई और जे, वन इंटू फोर यानी माइनस फोर और माइनस फोर। देखो आंसर आ गया है, अगर एमसीक्यू है हम यहां करेंगे और इसने लिखा है जेड एक्सिस यानी के वाला, तो माइनस एट, तो माइनस एट आंसर ये बी आ गया। वैसे आप सॉल्व करना चाहते हो तो फोर आई माइनस फोर जे माइनस एट के। आगे बस समझे बच्चों, आई थिंक ये टॉपिक आपको बहुत बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट स्पेशली। इसके कुछ कम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स जो हैं और कंसेप्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।